स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। अब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, अभी यहाँ पे जो स्लोप होगी इसकी, इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप होती है टेन थीटा। स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया यहाँ पे टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप किसके बराबर होगी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगी। ये कब है, जब आपका डेल्टा टी बहुत छोटा है, जब मैं इस कर्व को लाइन मान लूंगा। कर्व को लाइन कब मान लूंगा, जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा होगा। तो अगर यहाँ पे डेल्टा टी बहुत छोटा है तो स्लोप क्या होगी, आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। अगर यहाँ पे डेल्टा टी को मैं बहुत छोटा ले लूँ तो आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाता है, अगर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी में डेल्टा टी बहुत छोटा है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि अगर आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कैसी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और उसमें उसकी जो स्लोप है, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप है, किसी पॉइंट पे, भाई ये आपकी कोई कर्व है, यहाँ पे जो इसकी स्लोप है, तो किसी पॉइंट पे भी जो स्लोप है वो स्लोप क्या देती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देती है। स्लोप किसके बराबर होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपकी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी जो स्लोप है किसी पॉइंट पे, वो स्लोप उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि जो स्लोप है वीटी ग्राफ की किसी पॉइंट के ऊपर, वो किसके बराबर होगी, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने स्लोप निकाली है उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगी। अब स्लोप निकालना बहुत ही आसान है, स्लोप को देखना निकालना बहुत आसान है। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी कर्व की, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, भाई ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, जैसे ये थीटा एंगल बनाया, तो ये टेन थीटा, ये इसकी स्लोप है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं, वो स्ट्रेट लाइन देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, और उसका टेंजेंट जो होगा वो क्या देगा आपको, स्लोप देगा। ठीक है, अगर आपका जो ग्राफ है मान लो कुछ ऐसा है कि उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ कर्व दे रखी है, इसमें कैसे निकालेंगे स्लोप, इसमें कर्व में स्लोप कैसे निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती कांस्टेंट, जो स्ट्रेट लाइन थी उसकी स्लोप हर जगह सेम थी, लेकिन इसमें स्लोप हर जगह अलग अलग है, कर्व के अंदर स्लोप हर जगह अलग अलग होती है। मान लो मेरे को यहाँ पे स्लोप निकालनी है, इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व की स्लोप क्या है, इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व की स्लोप क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व को टच करती हुई एक लाइन ड्रा कर दो, इसको टच करती हुई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दो, और इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को इस पॉइंट पे, जहां आपको स्लोप निकालनी है उस पॉइंट पे टच करके निकले, उस लाइन को, यहाँ पे एक ही लाइन होती है, ऐसा नहीं कि और कई सारी लाइन हो सकती है जो इस पॉइंट पे टच करे, एक ही लाइन मिलेगी आपको, और उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये टेंजेंट ड्रा कर दिया मैंने, ऐसी लाइन ड्रा कर दी जो इस कर्व को यहाँ पे टच करके जा रही है। तो अब देखो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी इस कर्व की, इस कर्व की इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, जो इस टेंजेंट की स्लोप है, जो इस लाइन की स्लोप है ना, जो इस लाइन की स्लोप है वही स्लोप होगी इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व की, इस कर्व की। ठीक है, तो अब लाइन की स्लोप निकालना तो बहुत आसान है, यहाँ इसके साथ देख लो कितना एंगल बना रही है, ये लाइन देख लो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो वहां से हम इसकी स्लोप कैसे निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे हम टेन थीटा के बराबर स्लोप होती है। तो अब देखो जैसे अपने पास ये लाइन थी, अपने पास जैसे ये कर्व बना रखी थी, यहाँ पे कोई भी कर्व थी, तो इसमें स्लोप कैसे, देखो यहाँ पे जो स्लोप है यहाँ पे लाइन ड्रा कर दो, जो इस लाइन की स्लोप है वो इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व की स्लोप है। अब मेरे को मान लो कि यहाँ पे स्लोप निकालने हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इसको यहाँ पे टच करती हुई लाइन ड्रा कर दो, जो इस लाइन की स्लोप है वही इस कर्व की स्लोप है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ मेरे को बताओ, आपको देखने से पता लग जाएगा इस लाइन की स्लोप ज्यादा है या इस वाली लाइन की स्लोप ज्यादा है। देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से, ये थीटा वन है मान लो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो, ये क्या हो गया, ये थीटा टू हो गया। तो देखने से पता लग जाता है ग्राफ से कि थीटा टू बड़ा है, क्या बड़ा है, थीटा टू ग्रेटर देन, यहाँ पे दिख रहा है हमें थीटा टू क्या है, बड़ा है थीटा वन से। अगर थीटा टू बड़ा है थीटा वन से, तो मैं ये कह सकता हूँ टेन थीटा टू बड़ा है
टेन थीटा वन से, और टेन थीटा वन क्या होता है स्लोप, मतलब यहां जो स्लोप है इसको मैं एस टू ले लेता हूँ, एस टू बड़ी है एस वन से, मतलब यहाँ की स्लोप ज्यादा है यहाँ की स्लोप कम है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब है ये लाइन जैसे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे होती जाएगी ना, तो स्लोप बढ़ रही है, यहाँ पे जाके स्लोप होगी इसकी इन्फिनिटी मैक्सिमम, और अगर आपकी लाइन बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो स्लोप क्या होगी आपकी जीरो। तो किसी कर्व की स्लोप कैसे निकालेंगे, किसी कर्व की स्लोप निकालेंगे, कर्व की स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, किसी भी कर्व की स्लोप क्या होती है हर पॉइंट पे अलग अलग, और जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी है उस पॉइंट पे क्या कर दो, उसको टच करती हुई एक लाइन खींच दो, मतलब या मैं ये बोलूं कि उस पॉइंट के ऊपर क्या कर दो, टेंजेंट ड्रा कर दो। अब टेंजेंट ड्रा कर दो तो जो स्लोप टेंजेंट की है, जो स्लोप उस लाइन की है, वही स्लोप उस पॉइंट के ऊपर उस कर्व की है, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे हम स्लोप कितनी है किस पॉइंट के ऊपर किसी कर्व में, और जो स्लोप होती है वो क्या देती है आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये जो ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका, और कुछ ऐसा ग्राफ है तो हमें पता है भाई यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ की स्लोप अलग है, क्योंकि ये कर्व है, कर्व में स्लोप अलग अलग होती है हर पॉइंट पे। तो यहाँ पे स्लोप जो इस टेंजेंट की स्लोप है वही इस पॉइंट की स्लोप है, और इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो इस पॉइंट की स्लोप है, इस कर्व की स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन हम बता सकते हैं भाई यहाँ की स्लोप ज्यादा है, यहाँ की स्लोप कम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। तो यहाँ की स्लोप ज्यादा है तो यहाँ का एक्सेलरेशन मान लो ए टू है, यहाँ का एक्सेलरेशन मान लो ए वन है, तो यहाँ की स्लोप ज्यादा है, यहाँ की स्लोप कम है, तो ये कह सकता हूँ ए टू क्या है आपका ए वन से बड़ा है, क्योंकि जो स्लोप है वो क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है, जहाँ स्लोप ज्यादा वहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है। और स्लोप कैसे निकाल लेंगे, लाइन ड्रा करके देख लेंगे किसकी स्लोप ज्यादा है, किस लाइन की स्लोप ज्यादा है, किस लाइन की स्लोप कम है। तो यहाँ हमारे पास जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीज़ें, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है आपको, वो डिस्टेंस देता है आपको, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या देती है आपको, वो आपको एक्सेलरेशन बताती है, वो क्या बताती है आपको, एक्सेलरेशन बताती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी क्वेश्चन इनसे सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूँगा एक बार पोजिशन टाइम ग्राफ की, पोजिशन टाइम ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पोजिशन टाइम ग्राफ। तो पोजिशन टाइम ग्राफ को हम लिखेंगे एक्स टी ग्राफ, पोजिशन मतलब एक्स और ये टी, एक्स टी ग्राफ किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं अभी, कौन सा ग्राफ है, पोजिशन टाइम ग्राफ है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो पोजिशन टाइम ग्राफ है, जो सेकेंड इक्वेशन आपकी है मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एस में और टाइम में क्या लीनियर रिलेशनशिप है, नहीं, यहाँ पे तो इसकी सेकेंड पावर टू, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कब होती है, जब पावर एक हो, एक पावर हो, वन पावर हो, लेकिन यहाँ पे पावर टू है, जो हायर पावर है, हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम पावर है, वो टू है यहाँ पे। तो एस में और टी में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, अगर एस और टी में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा आपका, कर्व बनेगी आपकी, ठीक है। अब ये कर्व बनेगी तो भाई कर्व कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी कैसी कर्व बनेगी, ऐसी कर्व बनेगी स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, लेकिन कैसी कर्व बनेगी। देखो यहां पे अगर इसमें इसमें जो आपका जो टाइम है भाई, आप ये देख लो कि जो ds अपॉन dt है इसका, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, ds अपॉन dt आ जाएगा ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका ds अपॉन, अब ऐसा कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो ये हो गया आपका ds अपॉन dt,
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u इंटू टी का u प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ए टी, इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो u प्लस ए टी आ गया, मतलब डी एस अपॉन डी टी। या आप ऐसे डिफरेंशिएशन मत करो, देखो आप सीधा भी देख सकते हो कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डी एस अपॉन डी टी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, डी एस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डी एस अपॉन डी टी क्या होगा, जैसे आपका एक्सेलरेशन पढ़ा था हमने पिछले वाले टॉपिक में, एक्सेलरेशन क्या था, डीवी अपॉन डी टी था, क्या था, डीवी अपॉन डी टी ये था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ये क्या हो गया था आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, डीवी अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है, किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप है। और ये क्या है, ये स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, ये स्लोप किसकी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ऐसे ही जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी के बराबर। तो यहां पे ये आपका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजिशन टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजिशन टाइम ग्राफ। तो यहां पे जो स्लोप है आपकी, देखो यहां पे इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है भाई, यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर इस पॉइंट की स्लोप निकालनी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, यहाँ की स्लोप देखनी है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो कौन सी लाइन की स्लोप ज्यादा है, इस वाली लाइन की स्लोप ज्यादा है या इस वाली लाइन की स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा है। मतलब जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे हमारी स्लोप बढ़ती जाएगी, हमारी स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है स्लोप। स्लोप किसके बराबर होती है, पोजिशन टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी के बराबर। मतलब जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो स्पीड बढ़ती किस मोशन में स्पीड बढ़ती है, अगर आपके अंदर, आपकी मोशन के अंदर एक्सेलरेशन है, अगर आपकी मोशन के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो पोजिशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा अगर आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो, अगर आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर आपकी स्पीड घटती जा रही है, स्पीड मतलब स्लोप, देखो यहां पे स्लोप है, इसमें यहां पे स्लोप कम है, यहां पे स्लोप और ज्यादा कम हो गई। तो जैसे आगे जा रहा हूं स्लोप कम हो रही है, स्लोप कम हो रही है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। तो अगर आपके मोशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है तो ग्राफ बनेगा पोजिशन टाइम का ऐसा, अगर आपकी मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो पोजिशन टाइम ग्राफ बनेगा ऐसा। अब स्पीड, ऐसी मोशन जिसमें स्पीड बढ़ती जाती है, जिसमें स्पीड क्या होती रहती है, बढ़ती जाती है, उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन, एक्सेलरेटेड, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है, स्पीड अप हो रहे हो आप। ठीक है, अगर जैसे गाड़ी के ब्रेक लगा दिया आपने, आप गाड़ी के ब्रेक लगाते हो तो आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो डिक्रीज होती जाती है, गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी। तो कम होती जाएगी तो इसमें स्पीड कम होती जा रही है, तो ब्रेक लगा दिया आपने तो अब आपकी मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन है लेकिन वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, अगर आपकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, गाड़ी आपकी स्लो होती जा रही है, तो आपकी गाड़ी में एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है तो आपकी गाड़ी में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब आपकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो पोजिशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कैसा होता है, आपकी कर्व बनेगी। अब कर्व आपकी ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी वो डिपेंड करता है आपकी मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन ही बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इसको रिटार्डेशन ही बोल देते हैं। तो रिटार्डेशन के केस में ऐसे स्लोप डिक्रीज होती जाएगी, और एक्सेलरेशन के केस में ऐसे स्लोप बढ़ती जाएगी, पोजिशन टाइम ग्राफ की स्लोप बढ़ती जाएगी अगर एक्सेलरेशन है तो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो। अगर आपकी मोशन में स्पीड डिक्रीज होती जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, रिटार्डेशन हो गया, और आपकी स्लोप डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पोजिशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दोनों
आपको याद रखने हैं। तो कुल अगर हम आज का कंक्लूजन निकाल लें जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे जो स्लोप है, देखो पहला कंक्लूजन ये निकलता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर होगी, स्पीड के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर होगी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, वो क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन बताएगी आपको, एक्सेलरेशन के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट आपका है एरिया, जो एरिया है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है आपको, किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। फोर्थ एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब, पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि गाड़ी आपकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड अप, अगर स्पीड अप होगी, स्पीड बढ़ेगी तो बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड डाउन जा रही है आपकी, स्पीड आपकी डिक्रीज होती जा रही है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होती जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, रिटार्डेशन है उसमें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होती है, अब वो क्यों होती है उसका हमने प्रूव किया था, हमने उसको वहाँ पे हमने, और एरिया वाला ये भी हमने प्रूव किया है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड अप होता है, नेगेटिव का मतलब स्पीड डाउन हो रही है, ठीक है। एक्सटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी के बराबर होती है, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी क्वेश्चन इनसे सोल्व होने वाले हैं, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, और इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, उस असाइनमेंट में क्वेश्चन सोल्व करना और सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। थैंक यू।